हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा वसीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हैक्स टेक। सो टुडे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही एडवांस एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, जिसे आप अपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी इजीली बना सकते हैं। तो ये एक एडवांस ऑटोमेटिक 3-phase फॉल्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है विद एडवांस एनिमेटेड IoT ऐप, जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ट्रांसमिशन लाइन के लाइव लोड करंट्स इन एम्पियर्स, फॉल्ट टाइप, फॉल्ट करंट, फॉल्ट डिस्टेंस और एग्जैक्ट फॉल्ट लोकेशन को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यह सिंगल फेस सप्लाई पर रन करता है और 3-phase लाइन में आने वाले चारों तरह के फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड 3-phase फॉल्ट। और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट से इजी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में ये प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा ऑनलाइन सिमुलेशन के साथ, और इसका कंप्लीट कोड, ऑनलाइन सिमुलेशन फाइल और अदर रिक्वायर्ड मटेरियल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही प्लग लगाकर स्विच को ऑन करता हूं, तो ये चार्जर नोड MCU और अदर कंपोनेंट्स को 5V DC सप्लाई करता है और ये ट्रांसफार्मर इस करंट सेंसर, रिलेस और ट्रांसमिशन लाइन को पास करता हुआ इन LEDs लोड को 24V सप्लाई करता है। इस तरह हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अभी कोई फॉल्ट क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ अभी नॉर्मल लोड करंट फ्लो हो रहा है जो कि इन रेड, ग्रीन और ब्लू LEDs का है, जिसकी वजह से ये हमें नो फॉल्ट इंडिकेट करके तीनों लाइन के लाइव लोड करंट को LCD पर शो करता है, जिसे आप अपनी मोबाइल ऐप पर भी मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम इन क्लिप्स की मदद से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाइन 3 ग्रीन को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये करंट सेंसर हाई अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, जो कि एक फॉल्ट करंट है। तो नोड MCU रिस्पांस में रिलेस को ट्रिपिंग सिग्नल देकर सारे रिलेस को प्रोटेक्शन के लिए ओपन कर देता है, जैसे सर्किट ब्रेकर ट्रिप होते हैं, और बजर को अलर्ट के लिए ऑन कर देता है। और फिर साथ ही LCD पर फॉल्ट टाइप, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड फॉल्ट डिस्टेंस 8 किलोमीटर शो करता है, जिसे आप ऐप पर भी देख सकते हैं, और इस फॉल्ट की एग्जैक्ट लोकेशन भी आपकी ऐप पर डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पावर हाउस की लोकेशन है, जो कि आपके GPS ने सेंड करी है, और ये इस लोकेशन से एग्जैक्ट 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फॉल्ट की लोकेशन है। तो चलें अब हम इन क्लिप्स को निकाल कर फॉल्ट को ख़त्म करते हैं और पुश बटन को प्रेस करके थोड़ी देर होल्ड करते हैं सिस्टम को रीसेट करने के लिए। तो करंट सेंसर अगेन करंट्स की रीडिंग लेना स्टार्ट कर देता है, और नॉर्मल करंट होने पर ये नो फॉल्ट डिस्प्ले करके लाइव करंट मॉनिटरिंग ऑन कर देता है। अब हम 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाइन 1 रेड और लाइन 3 ग्रीन को शॉर्ट करते हैं, तो ये LCD और IoT ऐप पर लाइन टू लाइन फॉल्ट एट 6 किलोमीटर डिस्टेंस शो करता है विद फॉल्ट लोकेशन पावर हाउस से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। फिर अगर हम 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाइन 1 रेड और लाइन 2 ब्लू को अर्थ वायर या ग्राउंड के साथ शॉर्ट करते हैं, तो ये LCD और IoT ऐप पर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर शो करता है विद फॉल्ट लोकेशन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पावर हाउस से। फिर इसी तरह हम 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तीनों फेजेस लाइन 1 रेड, लाइन 2 ब्लू और लाइन 3 ग्रीन को एक साथ शॉर्ट करते हैं, तो ये LCD और मोबाइल ऐप पर फॉल्ट टाइप 3-phase फॉल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर शो करता है विद फॉल्ट लोकेशन पावर हाउस से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो इस तरह ट्रांसमिशन लाइन के चारों टाइप्स के फॉल्ट डिटेक्शन की टेस्टिंग और वर्किंग डिफरेंट डिस्टेंसेस पर कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के हार्डवेयर की सर्किट डायग्राम देख लेते हैं और फिर इसकी ऑनलाइन सिमुलेशन को परफॉर्म करके इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन की तरफ चलेंगे। तो ये है एडवांस 3-phase ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट के हार्डवेयर की सर्किट डायग्राम, जिसे मैं आपको आगे ऑनलाइन सिमुलेशन शो करने के बाद डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और बनाना सिखाऊंगा। तो चले हम जल्दी से पहले इसकी ऑनलाइन सिमुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं।
तो सिमुलेशन के लिए हम सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक को ओपन करेंगे और साइन अप करने के बाद ये प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। फिर आप यहाँ कोड पर क्लिक करके इसका कंप्लीट कोड देख सकते हैं और यहाँ से इस टूल को हाइड कर सकते हैं और इस आई बटन पर क्लिक करके इन टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को भी हाइड कर देते हैं। फिर इन सिमुलेशन को रन करने के लिए स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं तो ये सिमुलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में अभी कोई फॉल्ट नहीं है। तो हम पहले सिमुलेशन को स्टॉप करके 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर किसी एक फेस लाइन को ग्राउंड या अर्थ वायर के साथ शॉर्ट करके स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तो ये LCD पर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट शो करता है विथ फॉल्ट डिस्टेंस 8 किलोमीटर और साथ ही बजर को ऑन करके रिलेस को एज अ सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देता है। फिर हम 6 किलोमीटर पर किसी दो फेस लाइन्स को शॉर्ट करते हैं तो ये LCD पर लाइन टू लाइन फॉल्ट एट डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर शो करता है। अब हम 4 किलोमीटर पर दो फेस लाइन्स को ग्राउंड या अर्थ वायर के साथ शॉर्ट करते हैं तो ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट अ 4 किलोमीटर शो करता है। और फिर इसी तरह जब हम 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तीनों फेस लाइंस को आपस में शॉर्ट करते हैं तो ये 3 फेस फॉल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर शो करता है। तो अब हम इन सिमुलेशंस को सक्सेसफुली परफॉर्म और टेस्ट करने के बाद हार्डवेयर डिज़ाइन और फिर कोड और IoT एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप अपने हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 square meter की एल्युमिनियम शीट ले लेते हैं कंडक्टिव ग्राउंड तैयार करने के लिए फॉर क्रिएटिंग ऑल ग्राउंड टाइप्स ऑफ फॉल्ट और इसको इस तरह 4 पीसेस में कट कर लेते हैं और फिर एक सॉलिड स्ट्रैंड्स वाला कॉपर वायर लेकर उसको इस तरह स्ट्रिप कर लेते हैं और फिर हम एक 3x1 feet का कार्डबोर्ड शीट ले लेते हैं और हर एल्युमिनियम शीट के पीस को कॉपर वायर के साथ सोल्डरिंग करने के बाद इस बोर्ड पर ग्लूगन की मदद से इस तरह चिपका देते हैं। इसके बाद हम 2 फॉर्मिंग शीट लेते हैं और उसको इस बोर्ड पर इस तरह चिपका देते हैं। अब हम 12012 amperes का सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर लेते हैं और एक 5V 2 ampere की DC पावर सप्लाई लेते हैं। आप इसकी जगह नॉर्मल मोबाइल चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके और ट्रांसफार्मर के इनपुट AC वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके AC वायर प्लग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद मैं अपनी आसानी के लिए एक ब्रेड बोर्ड ले लेता हूँ ताकि मुझे बार बार वायर के कनेक्शंस को सोल्डरिंग नहीं करना पड़े। तो अगर आप भी ब्रेड बोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं
तो ये इस ब्रेडबोर्ड की इंटरनल सर्किट डायग्राम है और ये होल्स इंटरनली इस तरह कनेक्टेड होते हैं, तो आप ये देखते हुए इस पर कनेक्शंस कर सकते हैं। फिर अब हम एक 2 या 5 एम्पियर्स का ब्रिज रेक्टिफायर लेते हैं और इसके सेंटर वाले दोनों एसी टर्मिनल्स पर ट्रांसफार्मर के साइड वाले दोनों आउटपुट वायर कनेक्ट कर देंगे और फिर एक 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लेंगे और रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट नेगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक 5 एम्पियर वाला ACS712 करंट सेंसर लेंगे और कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को सेंसर के किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर हम 4 सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल्स लेंगे और इन चारों रिलेस और करंट सेंसर के VCC टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करके 5 वोल्ट DC सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इसी तरह इनके ग्राउंड टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करके 5 वोल्ट DC सप्लाई के आउटपुट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम आइसक्रीम स्टिक से इस तरह के 5 ट्रांसमिशन टावर तैयार कर लेते हैं और फिर इनको भी ग्लू की हेल्प से बोर्ड पर चिपका देते हैं। अब हम 16
10 ओहम 5 वॉट्स के रेजिस्टर्स लेंगे और कॉपर वायर के थ्रू 4-4 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करके 4 स्ट्रिंग्स बनाकर ट्रांसमिशन टावर पर लगा देंगे और साथ ही एल्युमिनियम शीट से कनेक्टेड हर वायर को न्यूट्रल लाइन वाले हर एक रेजिस्टर के बाद इस तरह कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक 16x2 LCD विद I2C सर्किट लेते हैं और हम एक नोड MCU ESP8266 लेंगे और LCD की SCL पिन को नोड MCU की D2 और SDA पिन को नोड MCU की D3 पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसके VCC को 5V DC सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड को 5V DC सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। देन हम नोड MCU की VIN पिन को भी 5V DC सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड को 5V DC सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम 1x1 रिलेस के सेंटर वाले टर्मिनल्स को ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्ट पर फर्स्ट रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद अब हम सारे रिलेस मॉड्यूल के नॉर्मली क्लोज्ड NC वाले टर्मिनल को एक साथ वायर के थ्रू कनेक्ट करके कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह सारे रिले मॉड्यूल्स के नॉर्मली ओपन NO वाले टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करके करंट सेंसर के दूसरे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसके बाद 4 रेड 4 ग्रीन और 4 ब्लू LED लेकर उनको अलग अलग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और इनके नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करके 1 किलो ओम्स 5 वॉट रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करके
ट्रांसमिशन लाइन के न्यूट्रल या ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को एक एक फेस वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम 42N4401NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं और इनके पहले टर्मिनल इमीटर को 1x1 हर एक रिले मॉड्यूल के इन वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इनके लास्ट वाले कलेक्टर टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करके 5V DC सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम ग्रीन लाइन से कनेक्टेड रिले मॉड्यूल वाले ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले बेस को नोड MCU की D6 पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर ब्लू लाइन वाले को D7 के साथ, रेड लाइन वाले को D8 के साथ और ब्लैक न्यूट्रल वाले को D5 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद अब हम करंट सेंसर की आउट वाली पिन को नोड MCU के A0 के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर हम एक रेड पुश बटन स्विच लेंगे और पहले इसके एक टर्मिनल को डायरेक्टली नोड MCU की D4 के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर पुश बटन के इस ही टर्मिनल को 1 किलो ओम के रेजिस्टर के थ्रू 5V DC सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। देन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल को 5V DC सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक 5V की पीजो बजर लेंगे और एक और 2N4401NPN ट्रांजिस्टर लेंगे। फिर बजर के पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्टली 5V DC सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और बजर के नेगेटिव टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के फर्स्ट पिन इमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले बेस पिन को नोड MCU की D0 के साथ कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली कलेक्टर पिन को 5V DC सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। देन फिर हम एक Arduino GPS मॉड्यूल GPS NEO 6M लेंगे
और इसके VCC को भी 5 वोल्ट DC सप्लाई के पॉजिटिव और ग्राउंड को 5 वोल्ट DC सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके TX पिन को नोड MCU की D1 पिन और इसके RX पिन को नोड MCU की TX पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब आखिर में मैंने कुछ टेक्स्ट को स्टिकर पेपर पर प्रिंट करके इनको इनकी जगह के अकॉर्डिंग पेस्ट कर दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा हार्डवेयर डिज़ाइन इजीली कंप्लीट हो गया है। तो चलें अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम IoT ऐप को देखेंगे। तो सबसे पहले कोड डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए इस लिंक को ओपन करना है और फिर यहां से कोड की TXT फाइल डाउनलोड करेंगे और साथ ही इन तीनों I2C LCD, फायरबेस और GPS की लाइब्रेरीज को भी डाउनलोड कर लेते हैं। देन हम डाउनलोड करने के बाद कोड की TXT फाइल को ओपन करके इसके कंप्लीट कोड को कॉपी कर लेंगे और Arduino IDE सॉफ्टवेयर में न्यू फाइल ओपन करके पेस्ट कर देंगे। फिर अब हमें इस कोड में यहाँ कुछ डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग इंटर करनी है। तो यहाँ इस जगह हम अपने नेटवर्क की वाईफाई क्रीडेंशियल्स इंटर करेंगे। तो यहाँ वाईफाई SSID में मैंने अपने वाईफाई का नेम हुज़ैफ़ा कॉमास में लिख दिया और वाईफाई पासवर्ड में अपने वाईफाई का पासवर्ड हुज़ैफ़ा 2002 लिख दिया। फिर हम यहाँ सीक्रेट की में अपना नेम या कोई भी सीक्रेट पासवर्ड लिख देंगे। तो यहाँ मैंने अपना नेम हुज़ैफ़ा लिख दिया और यहाँ आप ये याद रखेगा कि ये सेम सीक्रेट की आपको अपने IoT मोबाइल ऐप में इंटर करनी है। फिर इसके बाद आप यहाँ बैकअप के लिए अपने पावर हाउस की लोकेशन को मैप पर शो करने के लिए किसी भी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप से निकाल कर उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यहाँ लिख सकते हैं। बिकॉज अगर आपका GPS किसी वजह से प्रोजेक्ट की लाइव लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर सका तो ये इस लोकेशन को एस अ पावर हाउस की लोकेशन मैप पर शो करेगा। तो अब हमें इन सब चेंजेस को करने के बाद कोड को कंपाइल और अपलोड करने से पहले तीनों zip लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ स्केच पर जाकर इंक्लूड लाइब्रेरी करते हैं और ऐड zip लाइब्रेरी करके अपने डाउनलोड की लोकेशन पर जाकर वन बाय वन तीनों zip लाइब्रेरीज को ओपन कर लेंगे। अब तीनों zip लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के बाद हम नोड MCU को केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और यहां से अपने बोर्ड और पोर्ट को सही से सिलेक्ट करेंगे और फिर इस एरो पर क्लिक करके कोड को नोड MCU में अपलोड कर देंगे। तो चलें अब हम IoT ऐप के सेटअप की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले आपको IoT ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको दिए हुए इस लिंक को ओपन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऐप के दो वर्जन शो हो रहे हैं। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉइड वर्जन लेस देन 10 है तो आप सेकंड वाला ऐप वर्जन डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट वर्जन ओपन करेंगे और इसकी APK फाइल को ओपन करके डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद हम अपने ऐप को ओपन करेंगे और टॉप पर इसकी आइकन पर क्लिक करके अपनी सीक्रेट की जो हमने अपने कोड में सेट की थी
वो लिख करके इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लाइव डेटा ऐप पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हार्डवेयर कोड और IoT ऐप के सेटअप के बाद हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी हो गया है और इसकी टेस्टिंग हम वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट को इजीली अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ऐसा मेजर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और अगर आपको अभी भी इसके किसी पार्ट में कन्फ्यूजन है, इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या आप कहीं डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप फ्रीली मुझसे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट को बाय करने में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान विद इन 10 to 15 days पॉसिबल है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। और अगर आप इसी तरह की और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं और उसे बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।